बाबर आजम की कैप्टनी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल तक पहुंची। बाबर आजम ये वही कैप्टन है जिनकी कैप्टनी में एशिया कप का फाइनल खेला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। ये वही बाबर आजम है जिनकी कैप्टनी में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहुंची। दोस्तों ये वही बाबर आजम है जिनकी रैंकिंग पहले नंबर पर मौजूद है, आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों उसी के कैरियर को लेकर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी शोएब मलिक उठा रहे हैं तो कभी शाहिद खान आफरीदी उठा रहे हैं, कभी कभार साबिका क्रिकेटर भी उनके कैरियर के हिसाब से सवाल उठाने लगे हैं। दोस्तों शाहिद खान आफरीदी ने रिसेंटली एक बयान दिया, उन्होंने बताया कि अगर आप अपना कैरियर बचाना चाहते हैं तो टी20 की कैप्टनी छोड़ दें। दोस्तों कहीं ना कहीं साबिका क्रिकेटर भी बाबर आजम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको दो से तीसरे नंबर पर खेलना चाहिए या तो फिर चौथे नंबर पर खेलना चाहिए। दोस्तों ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि जब अच्छा खेलते हैं तो सारे उसका गुनगाने लगते हैं, जबकि थोड़ा सा नीचे आती है टीम तो सारे बुराइयां करने लग जाते हैं, उसी प्लेयर को कभी सर के ऊपर उठा लेते हैं तो कभी जमीन पर गिरा देते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आगे। दोस्तों साबिक कप्तान और शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम से मुतालिक अहम मशवरा दिया है। शाहिद खान आफरीदी ने निजी टीवी न्यूज़ के एक प्रोग्राम में कप्तान बाबर आजम से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर आजम की बहुत इज्जत करता हूँ, बतौर क्रिकेटर मुझे वो बहुत पसंद है और चाहता हूँ कि उस पर दबाव कम से कम हो, इसलिए कप्तानी से मुतालिक सोचना चाहिए। साबिक ऑलराउंडर ने कहा कि मेरे ख्याल में बाबर आजम को अपनी बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, टेस्ट और वनडे की टीम में क़यादत संभाले और टी20 की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त कई ऐसे लड़के हैं जो टी20 की कप्तानी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनमें से एक बाबर आजम, दूसरा मोहम्मद रिजवान भी हैं। शाहिद खान आफरीदी ने बाबर आजम की PSL फ्रेंचाइज कराची किंग को छोड़कर पेशावर जर्मी में शमूलियत से मुतालिक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि बाबर को यहां कुछ मसाइल थे और शायद वो इस टीम में कुछ भी नहीं था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग आइंदा सीजन में बाबर आजम पेशावर जर्मी की तरफ से खेलते दिखाई देंगे जबकि कराची किंग्स से शोएब मलिक खेलेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दीजिएगा इजाजत। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।